हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम मीत और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई स्नैपशॉट कैसे बनाए। ठीक है, तो स्नैपशॉट बनाने के टाइम पे तीन मेन कन्फ्यूजन आते हैं भाई। कि पहली चीज़ तो होती है कब बनाए, दूसरी चीज़ आती है कैसे बनाए, तीसरी चीज़ आती है क्या इंक्लूड करें उसके अंदर। ठीक है, तो पहली चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि मतलब कब बनानी चाहिए। ठीक है, अभी इसमें दो चीज़ आते हैं भाई कि मतलब जैसे चैप्टर पढ़ा उसके बाद ही बना दूँ, या फिर मैंने मतलब चैप्टर पढ़ा है 2-3 महीना हो गया अभी अभी बनाऊँ। ठीक है, ये दो चीज़ होती है। तो पहली चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, मतलब कि अभी बार मैंने चैप्टर पढ़ा उसके बाद ही बना दिया क्या होगा। तो अगर समझो आपने चैप्टर पढ़ा, ठीक है, तो आपको उस टाइम तक आपने चैप्टर पढ़ने के सीधा बाद बनाया तो आपको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा। आपको क्या करना है, चैप्टर पढ़ना है, उसके टेक्स्ट बुक पढ़नी है, जो भी उसके एग्जाम के रिले आप जो एग्जाम के रिलेटेड नोट्स बनाने वाले हो उसको उस एग्जाम के रिलेटेड जो टेक्स्ट बुक है जिसमें से आने वाला है, तो वो टेक्स्ट बुक लेक्चर देने का जो नोट्स बना उसको, और वो जो चैप्टर के जो गवर्नमेंट की तरफ से जो आपको एग्जाम की तरफ से जो नोट्स है उन सबको मिला के आपको वो एक स्नैपशॉट बनाना। ठीक है, ये समझे। जैसे अगर जेई की बात करें तो जेई में आपके नोट्स लेने, जो भी आपने नोट्स बनाए हुए क्लासेस में जो भी बनाए हुए वो साथ में एनसीआई की लेनी है, तो आपको हो जाएगा स्नैपशॉट बनाना देना। उन दोनों को छोड़ के आपको स्नैपशॉट बनाना है। और अगर आपने आप एनसीआई एमएचटीसी की बात कर रहे हो तो आपको जो आपके नोट्स प्लस कैश गवर्नमेंट कैश बुक लेना है, और दोनों को निचोड़ के आपके नोट्स बनाना। ठीक है, स्नैपशॉट बनाना है इनका शॉट। ठीक है, समझ गए। तो और अगर अभी बात करें मतलब समझ रहे हो, और ये चीज़ जो बोल रहा हूँ नोट्स बनाने की, तो वो आपको है ना मतलब समझ रहे हो ये मतलब डायरेक्ट बनाना थोड़ा अच्छी बात नहीं, मतलब ऐसे बोल नहीं सकते अच्छा है। मतलब क्यों क्यों ऐसे बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो नोट्स बना लिए आपने, ठीक है, आपके जो जो पढ़ने के नोट्स है वो बना लिए, आपको अगर 2-3 कैस दोगे फिर आपको पता चले भाई किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर आपको बेस थोड़ा समझ रहे हो, उस टाइप का बेस आपको बनाना चाहिए स्नैपशॉट, उसके बाद ही बनाना चाहिए स्नैपशॉट, समझ रहे हो। तो ये आपको मैं बताता क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है, आखिरी बताओ ये चीज़ के बारे में। और दूसरी चीज़ टॉपिक क्या आता है कि भाई अगर मैंने 2-3 महीने हो गया मैंने चैप्टर पढ़े हुए, ठीक है, और मेरे को उसका स्नैपशॉट बनाना, तो कैसे बनाना चाहिए। तो आपको पहली चीज़ करनी चाहिए भाई, वो चैप्टर जो आपने पढ़ा है उसको पूरा अच्छे से 1 या 2 बार आपको अच्छे से रिवाइज करना। ठीक है, और अगर आपने मतलब समझो अगर आप भी आप मिड में हो, 12th मिड में, और आपको पहले के स्नैपशॉट बनाने पहले चैप्टर के, तो मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा और गीले हो जाने दो। जब भी आपका रिविजन चालू होगा एग्जाम के पहले 3-4 महीने पहले जो रिविजन चालू होगा तभी आपको बनाना चालू करना है, तो वो आपको बेस्ट होगा। तभी आप रिवाइज किया साथ में उसी साथ में जो प्रैक्टिस भी करोगे तो उसका आपको एक मतलब कंबाइन इफेक्ट मिलेगा, और आप फिर आपने स्नैपशॉट बनाओगे तो बहुत सही रहेगा, और वो एग्जाम में आपको हर एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ करना। अगर आप मिड में हो तो ऐसा ऐसा मत करना कि अभी अभी बना लो, जब ये एग्जाम या आपका रिविजन चल रहा होगा तब बनाना तो भी चलेगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हो गई आपकी। अभी कैसे बनाने वो उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो आपको जो मैंने बोला नोट्स नोट्स लेने का, फिर आपको ये लेनी क्या बोलते हैं सॉरी, जो भी आपके पर्टिकुलर एनसीईआरटी या महाराष्ट्र गवर्नमेंट कैश बुक दोनों लेनी है, उन दोनों को निचोड़ करके बनाना। ठीक है, और साथ में एक चीज़ करनी है इसके अंदर कैसे बनाने में, कि मतलब यही चीज़ है मेन, कि आपको आखिरी में 2-3 पेजेस छोड़ देना। ठीक है, मतलब और साथ में अगर आप एक बुक में ही लिख रहे हो कंटिन्यू, एक बुक में केमिस्ट्री का बुक बनाया, मैथ्स का बुक बनाया, या फिर फिजिक्स का बुक बनाया नोट्स का स्नैपशॉट का, तो साथ में क्या करना है, एक चैप्टर लिखा जो भी आपने स्नैपशॉट बनाया उसके, फिर आपको 2-3 पेज या 4 पेज तक छोड़ देना। ठीक है, और फिर आपने दूसरा चैप्टर का स्नैपशॉट बनाना। क्यों क्यों छोड़ने वो पेज, वो उसकी बात करते हैं, मतलब किस लिए छोड़ना है। तो उसमें आपको लिखना है मेनली कि मतलब समझो ऐसे कुछ क्वेश्चन हो, ठीक है, मतलब अभी आपको 12th में अभी आपका रिविजन चल रहा होगा, ठीक है, तो आपको साथ में कैश भी दे रहे ना, मतलब तो वह भी आपको क्या करना है, जो भी मतलब ऐसे क्वेश्चन हो आप जो भी एनालाइज करोगे कैश को, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन दिखेगा भाई, हाँ भाई ये आए हुए और मुझे आ नहीं रहे, और कुछ टिपिकल टाइप के ऐसे मतलब ये कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो करके ये सॉल्व हो रहे, तो वो चीज़ आपको उस जो चैप्टर के जो चैप्टर से वो बिलोंग कर रहा है उसमें आपको लिखना है। तो आपको जब भी वो चैप्टर आप जब भी स्नैपशॉट पढ़ोगे तो आपको वो रिकैप होगा, तो वो चीज़ आपको बड़ी बेनिफिट करेगी। और साथ में ऐसे पॉइंट्स लिखने जो मतलब रट्टा मारने के हो, और मतलब आपको याद रखने हो एग्जाम के टाइम पे, हाँ भाई वो पिछली बार आए हुए मतलब 2-3 बार रिपीट हुए तो लिख लो, एक बार भी रिपीट हुए तो भी लिख लो, ठीक है, क्या पता आपके बार दूसरी हो, मतलब आप दे रहे हो तभी दूसरी बार आने वाला हो, तो लिख लेना। ठीक है, ऐसी चीज़ है जो आपको याद नहीं हो, वो चीज़ बड़ी बेनिफिट करेगी आपको। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई आपकी, मतलब आपको स्नैपशॉट कब बनाने, कैसे बनाने, और फिर अभी बात करते हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड करना। ठीक है, पहली चीज़ जो उसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड होने चाहिए, तो उसके लिए तो बना रखेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ जो आपके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए वो होनी चाहिए फॉर्मूलाज। तीसरी चीज़ जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए एक्सेप्शन। ठीक है, ये चीज़ केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ भाई, केमिस्ट्री में ये चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, मतलब इस चीज़ पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए ये चीज़ होनी चाहिए। फोर्थ चीज़ जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए टिपिकल टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए आपके अंदर। ठीक है, पांचवी चीज़ जो होनी चाहिए वो आपके अंदर होनी चाहिए रट्टा मारने वाले क्वेश्चन चाहिए, जो मतलब ऐसे ऐसे हो कि मतलब हाँ भाई ये याद रखना मेरे को, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो बस वो लिख लेना उसके अंदर। छठी चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो आपके अंदर होनी चाहिए रूल्स, टेस्ट और थियरम। रूल्स होने चाहिए फिजिक्स में, टेस्ट हो गए केमिस्ट्री में, और थियरम हो गए, थियरम जो है तीसरी चीज़ होगी वो होगी मैथ्स में। तो
तो ये तीनों चीज़ आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। थियोरम्स भी काफ़ी उसके मैथ्स में तो थियोरम्स काफ़ी अप्लाई होते हैं, लाइंस प्लेन उस सब में ऐसे थियोरम आते थोड़े बहुत। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, तो आप समझ गए होंगे ऑलमोस्ट कैसे बनाने स्नैपशॉट। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या कर, सी यू सून और थैंक्स फॉर वॉचिंग।